मोहब्बत का एक और किस्सा शुरू होने जा रहा है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स करने वाले हैं जोधपुर में शादी। लेकिन उनकी शादी के बारे में अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा क्रिश्चियन तरीके से पहले शादी करेगी, जिसमें वो वाइट गाउन पहनेगी। वैसे पूरी डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रियंका चोपड़ा निक जॉन्स के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए करेगी क्रिश्चियन वेडिंग, जिसके लिए वो पहनेगी व्हाइट गाउन और फिर होगी इंडियन रीति रिवाजों से शादी, जिसके लिए पीसी पहनेगी रेड आउटफिट। वैसे इस शादी के लिए जितने फैंस एक्साइटेड हैं, उतने ही एक्साइटेड हैं उनके फैमिली मेंबर्स। तभी तो परिणीति चोपड़ा ने अपनी डांस परफॉर्मेंस की तैयारियां करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो डांस परफॉर्म करने वाली है तूने मारी एंट्रिया गाने पर और उसके साथ ही राम चाहे लीला गाने पर। इसके साथ ही वो निक जॉन्स के गाने पर भी स्पेशल डांस परफॉर्म करेगी। लेकिन इसी बीच एक नई अपडेट आ रही है कुछ और ही। चाहे प्रियंका निक अपनी शादी को लेकर कुछ भी रिवील नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी हम आपको बता देते हैं कि 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगे प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की शादी के इवेंट्स। जोधपुर में होने जा रही इस लेविश डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हर कोई बेहद एक्साइटेड है। तो ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की है अपनी वेडिंग रजिस्ट्री गाइड। लगता है पीसी ने निक जॉन से प्यार करने के बाद अमेरिका के नक्शे कदमों पर चलना शुरू कर दिया है, तभी तो उन्होंने वैसा कल्चर भी अपनाना शुरू कर दिया है। चलिए आपको सही तरीके से बता देते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने अमेज़न पर करवा ली है अपनी वेडिंग रजिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अमेज़न पर अपनी गिफ्ट्स की विश लिस्ट तैयार की है और इसके लिए प्रियंका ने $14,000 अमेज़न पर खर्चे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बिगिन दिस न्यू चैप्टर इन माई लाइफ एंड आई हैव सिलेक्टेड सम ऑफ माई फेवरेट आइटम्स टू इंस्पायर यू ड्यूरिंग योर्स। आपको बता दें इस विश लिस्ट में प्रियंका के स्टाइल की तरह कुकवेयर एसेसरीज, डिनर वेयर, पिलो, आई मास्क, लॉन्ड्री बैग्स, पेट एसेसरीज, होम एसेंशियल्स, बेड एंड बाथ थिंग्स और एंटरटेनिंग थिंग्स इंक्लूडेड है। चलिए जो भी कहिए, है तो घर की चीजें जो उनके घर के काम आएंगी। लेकिन ये वेडिंग और ब्राइडल रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट US और यूरोप में ज्यादा फेमस है। लगता है प्रियंका ये सब दूसरों को इंस्पायर करने के लिए और इंडिया में ऐसा कल्चर शुरू करने के लिए कर रही है। वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट कितना सही लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी बताइएगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या आप भी अपनी शादी में ऐसा कॉन्सेप्ट अपनाना चाहेंगे या नहीं। वेल, निक्यांका की शादी की हर डिटेल हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तड़का बॉलीवुड। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हाँ, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।